राशन से वंचित और कोटेदार की मनमानी से परेशान गरीब पात्र धारक संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील सदर पहुंच गया। राशन को मोहताज गरीब पात्र धारक ने एसडीएम सदर से कोटेदार चौपुरा रमेश चंद यादव की शिकायत की। गरीब लोगों का कहना है कि कोटेदार राशन नहीं देता है, महीने में एक दो दिन दुकान खोलता है, राशन न देने के लिए तमाम बहानेबाजी की जाती है। तेल नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता, चढ़ा दिया है, राशन नहीं दिया है। राशन कितना मिलता है तुम्हें? हमें मिलता है 9 किलो गेहूँ, 6 किलो चावल, कुछ नहीं दे रहे हैं वो। तीन है हमें 5-6 महीना हो गए, नहीं कुछ नहीं। लोग कहता है अरे जाओ पीछे ले जाना, कुछ देता नहीं है। हाँ दुकान खोलता हो एक दिन महीना में एक बार। गांव की मूल निवासियों की समस्या है सर कि ना तो उनको राशन पूरा दिया जा रहा, पर यूनिट पर 1 किलो या 0.5 किलो कम करके राशन दिया जाता है। उसके बाद में क्या है सर, कम से कम 2 साल हो गई, तकरीबन 2 साल हो गए जब मैंने बीच में सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को एक बार फोन करके बोला कि सर जो है का केरोसिन हर बार आता है और केरोसिन बढ़ता वितरण नहीं किया जाता, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है अगली इस बार मैं बंटवा दूंगा कह करके। तो उन्होंने 2 महीने में करीबन 2 साल में 2 बार बंटवाया। उसके बाद में हर एक राशन कार्ड पर जिस तरीके से राशन लेने के लिए जाते हैं, तो राशन लेने जब जाते हैं तो राशन चढ़ाता है उसी समय उसकी जो है का है जो है का है मिट्टी के तेल की जो है का है एंट्री कर देता है। और उसके बाद में क्या है कि गरीब जनता अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन करती है तो वो जो है का भगा देता है उनको डरा धमका करके। और जी 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 एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं ना तहसीलदार और जो है सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को दोनों को आदेश किया है 20 तारीख के लिए, और 20 तारीख को जा करके आपकी खुली बैठक बुलवा करके आपकी सुनवाई होगी, अगर जो वह गलत पाया जाता है किसी भी तथ्य में तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ FIR की जाएगी। लेके आए हैं इनके लिए परेशानी है क्या है? के राशन कार्ड जो है राशन जो मिलता है 1 किलो कम 0.5 किलो कम और जो है मिट्टी का तेल है नहीं दिया चढ़ा दिया, इतनी परेशानी है। फिर दादागिरी और है दबंग, बहुत से तो राशन कार्ड जपते गरीबों के, अरे मिली भगत है क्योंकि प्रधान इसमें रिस्क नहीं ले रहे, जो मौजूदा प्रधान है जो गरीबों की उसमें मदद करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। प्रधान तो एक महिला है कमलेश, और बाकी जो है कार्यकर्ता उनके पति हैं सुसर साहब। अरे गरीबों का भला हो ये परेशान हुए हैं और क्या चाहेंगे? राशन नहीं मिल रहा, जब से राशन कार्ड बने बुला लेता है देते नहीं है बिल्कुल भी, 8-8 दिन को लिए बोल देता है कल आना परसों आना, देता ही नहीं है, एक दिन खुलती है, एक दिन 2 दिन खोलेगा बोल देगा कल आ जाना, फिर देता नहीं है, बंद कर देता है। कई बार दे चुके हैं कोई सुनाई नहीं होती, नहीं होती। आज क्या आशा लेकर आए हैं आप लोग? अब यही आशा लेकर आए कि हमारा काम होना चाहिए, गरीब हैं हम, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या क्या नहीं मिल रहा है आपको? ना चीनी मिल रही है, ना चावल मिल रहे, ना गेहूँ मिल रहे, ना तेल मिलता है मिट्टी का। इन शिकायतकर्ताओं में तमाम या अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके कार्ड निरस्त कर दिए हैं या फिर राशन कार्ड यूनिट काट दिए हैं। सप्लाई विभाग की लापरवाही कहें या फिर सरकार के राशन की बचत करने के लिए जानबूझकर गरीब कार्डधारक को परेशान किया जा रहा है। राशन कार्ड निरस्त होने और यूनिट काटने पर राशन कार्डधारक को 2 से 3 महीने राशन नहीं दिया जाता, जो गरीब के साथ एक बड़ा धोखा सामने आ रहा है। लेकिन SDM सदर ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। आज चौपुरा के कुछ ग्रामवासी यहाँ आए फिर से मिलने के लिए, उनकी शिकायत ये थी कि उनके जो गांव का राशन डीलर है वह उनको एक तो राशन ठीक से नहीं दे रहा है और दूसरी बात कुछ जो पात्र लोग हैं उनके राशन कार्ड बनाए भी नहीं गए हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट जो हैं वो और सप्लाई इंस्पेक्टर को संयुक्त रूप से 20 तारीख को जाँच करने के लिए आदेश दिए हैं। दोनों अधिकारी 20 तारीख को गांव में जाकर खुली बैठक करेंगे और एक सार्वजनिक स्थान पर सभी लोगों को सुनेंगे, उनके बयान लेंगे, और अगर जांच में ये बात की पुष्टि होती है कि राशन डीलर द्वारा पहले राशन देने में इस प्रकार से लापरवाही की गई है तो हम लोग राशन डीलर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और FIR भी कराएंगे। लेकिन सरकार की योजना है कि लगातार ये अभियान चलते रहना चाहिए कि जो अपात्र लोग हैं उनको लिस्ट से हटाया जाए और जो पात्र लोगों को जोड़ा जाए, और इसमें लगातार हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं और हम लोग आपके माध्यम से भी अपील करते हैं ग्रामवासियों को, जो लोग भी पात्र हैं वो आके अपना आवेदन करें यहाँ पर, हम लोग उनको पात्रता की श्रेणी में जुड़वाएंगे।
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सप्लाई विभाग के अधिकारी और एसडीएम सदर गरीब को न्याय देते हुए गरीब के राशन की लूट पर लगाम लगा पाएंगे। 7A न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।